हिजबुल्ला के मुखिया हसन नसरल्ला की हत्या ने मिडिल ईस्ट के तनाव को बढ़ाकर रख दिया है। इजरायली सेना ने एक ही झटके में लेबनान के हिजबुल्ला की कमर तोड़ दी। इजराइल लेबनान में हिजबुल्ला पर कहर बनकर टूट पड़ा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हसन नसरल्ला की हत्या को एक ऐतिहासिक मोड़ बताया। नसरल्ला की मौत से ईरान समेत उसके सभी चरमपंथी समूह गुस्से से तमतमाए हुए हैं। ऐसे में इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला के बीच पूर्ण युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने इजराइल से बदला लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग की। ईरान के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत अमीर सैयद इरावनी ने 15 सदस्यीय निकाय को एक पत्र लिखा है। इरावनी ने कहा कि ईरान अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेगा। ईरान इस तरह के हमले के फिर से होने पर बर्दाश्त नहीं करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई जानी चाहिए। वहीं नसरल्ला की हत्या की खबर लगते ही राजधानी तेहरान समेत अलग अलग इलाकों में हजारों ईरानी सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने नसरल्ला की हत्या की निंदा की और ईरानी सरकार से इसराइल के हमले का बदला मांगा। प्रदर्शनकारियों के हाथों में नसरल्ला की तस्वीरें और इसराइल मुर्दाबाद जैसे नारों वाली तख्तियां देखी जा सकती हैं। बताया जाता है कि हिजबुल्ला समूह ने नसरल्ला की हत्या के बाद लेबनान में एक प्रोजेक्टाइल दागा जो इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में गिरा, जिससे उस इलाके में आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। लेबनानी हमले से यरूशलम और वेस्ट बैंक के बाहरी इलाकों में हवाई हमले के सायरन भी बजे। हिजबुल्ला ने कहा कि वह गाजा के समर्थन और लेबनान की रक्षा के लिए इसराइल का सामना करना जारी रखेगा। इस पर शीर्ष इजरायली अधिकारियों ने लेबनान को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्ला की तरफ से गोलाबारी जारी रही तो वे लेबनान में गाजा के विनाश को दोहराएंगे, जिससे वहां विस्थापन की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को लेबनान में इजरायली के हमले से 30 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 200 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। पिछले दो हफ्तों में इजरायली हमलों से 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमलों के कारण लगभग 10 लाख लेबनानी विस्थापित हुए हैं। बहरहाल इजरायली सेना के सटीक हमलों के बाद हिजबुल्ला घुटनों पर आ गया है। ये देखना काफी अहम रहेगा कि उसकी आगे की क्या कार्रवाइयां होंगी। दरअसल इजरायल लगातार हिजबुल्ला लड़ाकों की जान ले रहा है।